भाई ने मेरे से पूछा था कि आपका कोई बेस्ट मतलब फेवरेट स्टूडेंट या कुछ, भाई ने भी पूछा था, दी ने भी, इनकी वाइफ जो है, तो मेरे पास जवाब नहीं था उस दिन, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैं बोल नहीं पाया। मगर फेवरेट वो होता है जो अपने टीचर की क्रिएटिविटी अपने ऊपर पूरी तरह निभाता है, तो मेरे को नाम बोलने बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। ओके गाइस, ब्रांड न्यू डे, आज है हमारा मिक्स वर्कआउट, चेस्ट, बैक और आर्म्स। सो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग, आज ये लग रहे हैं गाइस। तो आपको पता है यार, 40 साल का हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फाड़ दूँ, क्यों भाई? बढ़िया। तो भाई भी लगे हुए मेरे साथ, तो आज का होने वाला है फैशियल वर्कआउट, वही फाड़ना कि हम कैसे फाइबर निकालें। देख सकते हो आप, पूरा भी वर्कआउट दिखाऊँगा आपको क्या कर रहे हैं आज। तो पहले करेंगे चेस्ट प्रेस, मशीन वर्कआउट है। हाँ, नूर भाई हो गए बिल्कुल स्पीचलेस है भाई। क्यों भाई? बॉडी बहुत अच्छी है भाई का। एक अचीवमेंट होता है ना कि आप कभी स्टूडेंट को देखते हो अपने गर्व से स्पीचलेस हुए ना भाई, शर्म से तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत, मैं अनएक्सपेक्टेड और बहुत मेहनत करी है, बहुत सब हड्डियाँ तोड़ डाली इनकी, सब कुछ टूट गया। तो वो फीलिंग सबसे बेस्ट होती है जब आपका गुरु आपको देख के ना स्पीचलेस हो जाए, यार कुछ करा इसने भाई, मेहनत करी है। मैंने भी, और क्रिएटिविटी है एक, तो जो मैंने ब्रेन में अपना दिमाग में सोचा था ढांचा, वो सामने में देख रहा हूँ। कोई भी इंसान कोई पेंटिंग भी बनाता है और जब पूरी कंप्लीट हो जाती है, वो बहुत दूर से देखता है उसको, तो उसकी फीलिंग्स वही जानता है कि क्या होता है। क्या फीलिंग आ रही है अभी? मेरी फीलिंग्स तो कोई ऐसा अच्छा ट्रेनर ही जानता है जो एक विनर को तैयार करता है। देखो भाई, ये फीलिंग अलग ही होती है। तो भाई को फीलिंग आ गई है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो अच्छे की याद है आप कर रहे हैं। अब हम लैट, चेस्ट का हो गया वर्कआउट ख़त्म, आइए अब करते हैं बैक। आज हमारे नूर भाई बहुत इमोशनल हो गए। क्यों हो गए? बॉडी को देख के, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब आ गए। लग रहा है भाई? बिल्कुल लगी गया था। देख रहे हो, तो अब कैसी लग रही है बॉडी आपको दिखाता हूँ। भाई ने आज ऐसे टाइम पे मेरे को माइक दे दिया जब मैं नहीं बोल सकता, इतना कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ बोलने के लिए, क्योंकि ये वही बॉडी है जब मैं
डे वन पे गया था भाई के पास में, और हमने कहा, भाई ने बोला कि भाई कंपटीशन खेल सकता हूँ मैं, कंप्यूटर की तैयारी करें 3 महीने में हम कैसे, मैंने बोला भाई को पॉजिटिवली 3 महीने में कर, मैं भी मानता हूँ 3 महीने में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बहुत किए हैं, बट ये बहुत ज़बरदस्त है। एक एथलीट बनाना, एक एथलीट फिजिक देना, एक मेन फिजिक देना, एक मतलब कि एक धड़, मतलब हकीकत ये, मैंने पहले दिन ही भाई को ये बोला था, जाते ही इनके दिल पे बड़ा जोर भी पड़ा होगा। जब भाई ने मेरे से पूछा भाई मेन फिजिक खेलूंगा, तो मैंने इनको बोला कि आपके पास में गिफ्टेड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो ढाई जीरो, ये स्ट्रक्चर जीरो है ना, ये मेन फिजिक से कहीं तक कुछ लेना देना है ना, शोल्डर ब्रॉड है ना ही कुछ ऐसी चीज़ है, चेस्ट पूरी लटकी पड़ी है, पेट इतना भार था आम जैसा। भाई ने भी बोला कि इमोशनल हो गया। हकीकत में मैं उस स्ट्रक्चर को याद कर रहा हूँ 60 दिन पहले जब मैं भाई के घर पहुँचा था। 10-5 दिन मैंने पहले फ़ोन पे बात होती थी, मगर मैं इतना सीरियस नहीं था जब, मगर जर्नी स्टार्ट हुई है 60 दिन पहले। तो पहले दिन जब मैंने भाई को देखा था, तो मेरे को वो दिन याद आ गया, और भाई का वो सभी चीज़ें याद आ रही थी मुझे धीरे धीरे, कि कपड़े दूर जाके बदलना, शर्म, मतलब एक होता नहीं, मतलब बंदे को पता है कि मेरे अंदर कमियाँ हैं, और आज वही इंसान जब सामने खड़ा होता है, और उसमें जब मैं, मतलब कि ये स्ट्रक्चर तैयार करने में मेरा बहुत बड़ा रोल रहा है, मगर रियलिटी में भाई ने मेरे से पूछा था कि आपका कोई बेस्ट, मतलब फेवरेट स्टूडेंट या कुछ, भाई ने भी पूछा था, दी ने भी, इनकी वाइफ जो है, तो मेरे पास जवाब नहीं था उस दिन, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैं बोल नहीं पाया। मगर फेवरेट वो होता है जो अपने टीचर की क्रिएटिविटी अपने ऊपर पूरी तरह निभाता है, तो मेरे को नाम बोलने वोलने की ज़रूरत तो नहीं है। ये मेरी जो मैंने स्ट्रक्चर सोचा था वो मैंने यहाँ पे कर दिया, और बहुत से लोगों का एक सवाल था नूर खान क्यों, तो भाई ने भी पूरा एक्सप्लेन नहीं करा, तो इसलिए नूर खान, ये भाई की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और ये जो मेहनत करी है, और भाई ये 60 दिन की है, 60 डेज़ है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, रियलिटी है। 60 डेज़ जितना मैंने तोड़ा इस शरीर को, जितना मुझसे करा गया, वेरी मतलब वॉल्यूम वर्कआउट जो होता ना, उसकी जो पीक होती है, जो अच्छे अच्छे ट्रेनर समझते होंगे, जो मतलब जितने भी लोग एक्सरसाइज करते होंगे, तो वो पीक मैंने भाई को डे वन से एडवांस ट्रेनिंग पे डाल रखा था, डे वन से। और हिम्मत है इनकी कि इन्होंने उसको फेस किया है, वॉमिटिंग क्या नहीं देखा मैंने, वॉमिटिंग, चक्कर आना, ब्लैंक आउट होना, कुछ नहीं खाना, वेजिटेरियन है, अंडों पे डिपेंड है, प्रोटीन के स्कूप भी पीना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बोला था क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन पियोगे तो यूरिक एसिड है, अंडे, मतलब मैं क्या क्या बताऊँ आपको, एक एक चीज़ बताऊँगा, कैमरे के पीछे की इतनी है कि आप सोच नहीं सकते, बस सिर्फ आपने बॉडी देखी है, सिर्फ यहाँ पे ये चेस मार ली, ये क्रिएटिविटी भाई ने दिखाई है, मगर बहुत दर्दनाक है भाई, बहुत दर्दनाक, 6-6 घंटे बीतते थे। एज इनकी चाहे 40 हो 30 प्लस हो, बट इन्होंने मेरे साथ में ट्रीट, मैंने इनको जो किया है एक 20-22 साल के लड़के की तरह, और इन्होंने बिल्कुल उस तरह से लिया है कि मतलब ये सब चीज़ों को इन्होंने बहुत पीछे हटा दिया, कि मतलब किसी भी तरह से। कल एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, कल दर्द हो रहा था भाई को रात को, सुबह में पेन था, पेन लोअर बैक में, फ़ोन करा इन्होंने मेरे को कि भाई लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि रात को इन्होंने बहुत ज़बरदस्त लोअर बैक मारी थी, मैंने बताया था, बट उसके बावजूद भी सुबह जिम, कोई स्किप नहीं। तो ऐसे बनते हैं। तो गाइस, लाइफ में ना, जब आपका गुरु आपसे खुश हो जाए, आपके एफर्ट से, आपकी मेहनत से, दैट्स इट, और कुछ नहीं, आपने गेम जीत लिया। मुझे नहीं पता क्या रिजल्ट होगा, मुझे नहीं पता कि, बिकॉज सब अपना बेस्ट लेके आएंगे, लेकिन अगर आपका गुरु बोल रहा है कि आपने मेहनत करी और आपके रिजल्ट दिख रहे हैं, और वो खुश हैं और इमोशनल हैं, क्यों भाई? टीचर जब हमें तैयारी कराते थे, हमारे सर भी, कभी एक टाइम ये था, तो हम पहला फ़ोटो स्टेज पे चढ़ने से पहले सर को देते, सर देखना, अगर वो यहाँ भी नहीं, जैसे मेरे सर जर्मनी के थे, तो उनको पिक्स भेजते थे, सर ठीक है ना, सर ने बोला ओके भाई बहुत बढ़िया कर रहा, ठीक है, उन्होंने बोल दिया बहुत ज़बरदस्त है, स्टेज जीतता था, 90% कॉम्पिटिशन जीत गया, 10% स्टेज रह गया। तो जो आपको तैयार कराता है ना, उससे बेहतर आपकी कोई बॉडी समझ नहीं सकता, और इन्होंने तो मुझे शुरू से देखा हुआ, तो आज ये देख रहे हैं और 20 साल से कंपटीशन खेल रहे हैं, देख रहे हैं, जीत रहे हैं, तो इन्हें समझ आता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो अगर आज वो देख के बोल रहे हैं कुछ कि है बात, तो मेरे लिए तो वो कॉम्प्लीमेंट वाली बात है। मैंने 3 बातें भाई को बोली थी कंपटीशन से पहले, जब तैयारी शुरू हुई थी डे वन। पहला, दोबारा बोलूँ कि गिफ्टेड कुछ भी नहीं है। दूसरा, कि ये दौड़ है, उस ट्रैक पर चलने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पर 3 किलो 2 किलोमीटर लोग आ गए हैं, ठीक है भाई। और तीसरा, कि भाई आप कर लोगे, बट अपने आप से मत डर जाना, अपने आप से, मतलब मैं हकीकत बता रहा हूँ, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन करता है, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन तैयारी करता है, और ऐसे एक बड़े वेट को लेके जब वो छोटे इसमें आता है, तो उसकी शक्ल, उसकी बॉडी, उसके घर वाले, सब फेस करना पड़ता है उसको, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो अपने आप से डर जाता है। तो भाई ने 3 चीज़ों को करा, ट्रैक, उस ट्रैक पर चले
और आज की डेट में 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्या होता है, आज स्टेप बाय स्टेप आगे हैं, हकीकत में आगे हैं। कॉम्पिटिशन अभी 3 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद, तो आप सोच सकते हो, मैंने ये क्या क्लास लेके खड़े हैं। 4 महीने अभी ये मसल और पिटने वाला है, सब कुछ ऊपर वाला ठीक रह गया, 4 महीने बाद देखते हैं। तो 4 महीने में हम कैसी इसकी मसल मैच्योरिटी निकालने वाले हैं और कितनी हार्डनेस आएगी वो तो वक्त ही बताएगा, बट हम मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वर्कआउट हो गया खत्म, टाइम टू रिकवर। आपको पता है वर्कआउट के बाद मेरा फेवरेट गोल्ड वे, प्रीमियम गोल्ड वे गाइस, इससे सस्ता, इससे क्वालिटी प्रोटीन मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा। 25-26 ग्राम प्रोटीन, 0 ग्राम शुगर, 4-5 ग्राम BCAA, पर क्या चाहिए यार, आई मीन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। और गाइस बजट फ्रेंडली है, आपको यू नो मैं चाहूँ तो मैं आइसोलेट भी ले सकता हूँ, लेकिन गाइस मैं आइसोलेट 12 महीने अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मैं वो आदत ही नहीं डाल रहा हूँ। बट हाँ, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन पास आएगा I'll switch to isolate, but ये 12 महीने प्रोटीन है guys, this is amazing। आप ट्राई करना, लिंक डाल रहा हूँ Amazon का, आपको मज़ा आ जाएगा और रिजल्ट इसके आप देख ही रहे हो कि बिना प्रोटीन के तो बॉडी बनती नहीं। सो guys, आज मुझे लग रहा है मैंने कुछ किया है, बिकॉज आज नूर भाई खुश हो गए हैं बॉडी से, तो आपका गुरु खुश, कोच खुश, तो स्टूडेंट भी खुश। तो guys, कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हो, गुरु को हमेशा खुश कर देना, बिकॉज अगर गुरु खुश हो गया ना guys, तो आपकी मेहनत सफल होगी।